प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड सभी को जय मसीह। कैसे हो आप सब? मेरे जीते एक बार फिर से और एक बार फिर से परमेश्वर ने जो मुझे दिखाया, देखो मैं आपसे शेयर इसलिए करता हूँ ताकि आप प्रार्थना करो, क्योंकि वचन कहता है कि प्रार्थना करो जिससे हम चंगे हो जाए। हालेलुया। और ये दर्शन जो सपना मैंने देखा, ये सुबह 4 बजे की प्रार्थना के बाद मैंने देखा मेरे जीते, और रात भर मुझे नींद नहीं आई। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, जब मैं सोता नहीं तो मैं 4 बजे की प्रार्थना जरूर करता हूँ मेरे जीतो, क्योंकि भोर की प्रार्थना करना जरूरी है। और परमेश्वर उस समय फिर हम मुझसे बात करते हैं। मैंने प्रार्थना करी और प्रार्थना के बाद फिर मैं थोड़ी आँख लगी, जब भी मैंने ये सपन देखा प्रोफेट बिजेंद्र सिंह के को सपने में देखा, और एक भयंकर सपना यानी कि एक संकट भरा सपना देखा, पूरी बात बताऊंगा फिर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। मेरे अजीजो, परमेश्वर सपने के द्वारा बातें करता है, मैं आपसे कह चुका हूँ, और आपको भी सपने आते होंगे, ऐसी बात नहीं है कि मुझे ही आते हैं। प्रभु सपने सबको दिखाता है, दर्शन जिस पर अपनी बात प्रकट करना चाहता है सबको दिखाता है ना। सपने और दर्शन में क्या फर्क होता है? देखो सपने हमें सोते समय आते हैं, है ना, दर्शन हमें खुली आंखों से देख सकते हैं, लेकिन सपने को भी दर्शन कहा गया है कहीं बार वचन में, क्योंकि सपने दर्शन का मतलब होता है एक रियलिटी। उसी प्रकार से सपने का मतलब होता है एक उस बात को प्रकट करना। यीशु मसीह हमें परमेश्वर सपने के द्वारा यानी कि दर्शन के द्वारा प्रकट करना चाहते हैं। हालेलुया। सपने वो होते हैं जो हम डेली देखते हैं, है ना, लेकिन सपन के द्वारा जो दर्शन बन जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसमें परमेश्वर अपनी वाणी को हमारे कान में डालता है। कोई संकट आने वाला है, कोई परेशानी आने वाली है, अभी मैंने बिजिंदर पाशा जैसे देखा, मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो चीज़ बहुत अजीब गरीब है, और वो एक रियल मतलब कहते हैं ना कि डायरेक्टली सपना नहीं होता, उसका एक मीनिंगफुल होता है, और वो मीनिंगफुल बहुत ज़बरदस्त है। मैं प्रार्थना करूंगा वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कई बार प्रभु हमें सपने डायरेक्ट दिखाते हैं, है ना, कई बार अधिकतर बल्कि उसकी मीनिंग होती है, वही मैंने देखा। पर एक वचन पढ़ूंगा जो हमेशा पढ़ता हूँ मैं, अय्यूब 33:14 से पढ़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर तो एक बार क्या दो बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित नहीं लगाते। सपन में या रात के हुए दर्शन में, देखो रात को दिए हुए दर्शन में आ गया ना रात का सपने, जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते या बिछोने पर सोते समय, तब वह मनुष्य के कान खोलता है और की शिक्षा में मोहर लगाता है। परमेश्वर वचन की दुराशीष दे। तो मेरे से तो मैंने देखा कि मैं पाशा जी के घर यानी कि प्रोफेट बिजेंद्र सिंह जी के घर पे गया हूँ, और वहाँ पे घेहूँ रखा है, बहुत सारा घेहूँ रखा है, और अचानक से वो घेहूँ उनके जहाँ पे चंडीगढ़ में रहते हो, मेरे ख्याल से चंडीगढ़ में रहते होंगे, तो मैं घर गया हूँ और बहुत सारा घेहूँ है, अचानक से वो गेहूँ चोरी हो गया। और किन लोगों ने चोरी करा? जो लोग उनकी निगरानी कर रहे थे गेहूँ की, वही लोग चोरी कर गए। यानी कि कैसे चोरी हुआ? वो अपनी जगह छोड़ के कहीं और गए और पीछे से चोरी हो गई। आगे क्या है मैं आपको बता नहीं सकता, ये गुप्त है, लेकिन ये हिंड है आज का सपना, तो उसे प्रार्थना करेंगे क्योंकि आगे बहुत और इसका मीनिंग है, यानी कि आशीष को खोना, गेहूँ आशीष होती है मेरे जीतों, और चोरी यानी कि शैतान है, तो शैतान को मौका ना मिले ये हम प्रार्थना करेंगे। देखो प्रभु का दास हो चाहे एक विश्वासी हो, शैतान सबको छेड़ता है, और सभी इंसान ही हैं, और गलती हमारी होती है, हम खुदा मना लेते हैं, खुदा मत बनाओ किसी को भी, खुदा खुदा है, परमेश्वर परमेश्वर है मेरे जीजो। हमें प्रभु के दास को परमेश्वर के दास जैसा समझना है, होली स्पिरिट काम करता है, लेकिन उनके लिए भी प्रार्थना करनी है कि गलती सबसे होती है, शैतान सबको मानने की कोशिश करता है, तो सबके लिए जरूरी है कि प्रार्थना करेंगे इस सपने के द्वारा कि परमेश्वर की जो शैतान की इच्छा है वो फेल हो जाए और परमेश्वर अपने दास की रखवाली करें। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वाकई में प्रभु तुम्हारे जब भी तूने मुझे कोई सपना दिखाया है तो उसका मीनिंग आया है और वो पूरा हुआ है। पिता अपने दास को तू रक्षा खड़े कर, अगर वो जगह छोड़ के कहीं और जा रहे हैं पिता, पीछे से जो उनका नुकसान होने वाला है उसको बचाना, या उनके जीवन में जो नुकसान आने वाला संकट आना उनको बचाना पिता परमेश्वर, उनके जीवन में जो संकट है पिता उसे दूर करना, और जो उनके भेड़ है पिता, जो आपने दी है पिता, जो लोग है उनकी भी रक्षा करना पिता, जितने भी मुझे देख रहे पिता अगर उनमें से कोई जुड़ा हुआ है उनके साथ तो पिता उनकी भी सहायता करना, उनके जीवन में आशीषित करना, और हम मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं इस प्रार्थना का आंसर देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। परमेश्वर के साथ उनके कलीसिया के साथ है जो प्रभु ने दे रखी है, और इस वीडियो को शेयर करें, प्रार्थना करें ताकि प्रभु दया करें। जय मसीह।